इलेक्ट्रिकल ट्रक। चंबलपुर जंगल में बहुत सारे डाकू हुआ करते थे। वो गुड्स गाड़ी लूटना, ट्रेन रोक के पैसेंजर को लूटना, बैंक और एटीएम्स को लूटना वगैरह करते थे। पर ज्यादातर रोड पे पत्थर डाल के बस और ट्रक लूटते थे। उस गांव में उनसे परेशान हुए लोग पुलिस स्टेशन जाकर फिरियाद करते थे, शांत रहिए, हम डाकुओं को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, केंद्र से आर्मी को भेजने के लिए भी बहुत सारे लेटर्स भेजे हैं, आप लोग फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही उन्हें पकड़ेंगे, कहा। उस गांव में एक किसान रहता था। वो एक बार अपने ट्रैक्टर में अनाज के बस्ते लेकर जाते वक्त डाकुओं का झुंड सामने आकर अनाज को लेकर चले गए। उदास घर वापस आया बसवा, उसके साथ जो भी हुआ वो अपने परिवार को बताया। जो हम सोचे थे वही हुआ, अनाज के साथ साथ हमारा ट्रैक्टर भी गया, अभी तक वो ट्रैक्टर के पार्ट्स भी निकाल कर बेच दिए होंगे। अनाज से आए पैसों से सोनम की शादी का काम शुरू करूंगा सोचा, हे भगवान अब मैं क्या करूं, कहा। बाबा पुलिस और सरकार कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या अभी तक ये बात आपको समझ में नहीं आई? उन डाकुओं से उनका जरूर कुछ ना कुछ लेन देन रहा होगा, खुद को बचाने की जिम्मेदारी अब हम पे है। कल सारे किसानों को बुला के एक मीटिंग रखिए, आपको मैं उपाय बताऊंगा, कहा। अगले दिन निश्चिल, मेरे प्यारे किसान मित्रों, लड़ने का समय अब आ चुका है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा अगर आप लोग करेंगे तो हम इस झंझट से बाहर निकल सकते हैं, कहकर क्या करना होगा उसका विवरण उनको दिया। बाद में सब किसान उसे पैसे दिए। उसके बाद उस गांव में एक इलेक्ट्रिकल ट्रक आया, उसमें से निश्चिल उतरा, सारे किसान उसके ओर आतुरता से देखने लगे। दोस्तों ये मामूली ट्रक नहीं है, एक इलेक्ट्रिकल ट्रक है, बहुत सुरक्षित है, अभी से आपके खटारे गाड़ी से अनाज को लेकर मत जाना, सभी लोग इसे ही इस्तेमाल करेंगे, मैं ही इसे चलाऊंगा, बोला। किसान खुशी से तालियां मारने लगे। अगले दिन लोड लेकर इलेक्ट्रिकल ट्रक शहर की ओर जाने लगा। डाकू बड़े बड़े पत्थरों को रोड के बीचों बीच रखकर लूटने के लिए खड़े थे। ट्रक आके पत्थरों के पास रुका। एक डाकू, इतना बड़ा पत्थर रखेंगे तो कोई भी रुकेगा, उसे उतरने दे, खूब पीट के ट्रक लेकर जाएंगे, कहा। लेकिन पत्थरों को ढकेलते हुए इलेक्ट्रिकल ट्रक वहां से निकल गया। वो देख के डाकू सारे घबरा गए। एक डाकू, क्या है रही है? ये ट्रक है या भूत, ऐसे ढकेलते हुए निकल गया, अगली बार नया प्लान डालना होगा, कहा। और एक दिन ट्रक जाते समय डाकू उस पर पत्थर फेंकने लगे, लेकिन फेंके हुए पत्थर ट्रक को लगकर वापस आके उन्हें ही लगा। वो सब लोग डर के मारे भाग गए। और एक बार घोड़ों से पीछा करके गुस्से में हाथों से घूसा मारने लगे, लेकिन वो लोग उसे छूते ही शॉक लगकर काले पड़ गए। ए, जाते हुए ट्रक को रोक के लूटना मुश्किल है, और कुछ करके उसे रोकना होगा, बोला। आज रात गांव में जाके उसे चुराएंगे, इसके सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, कहा। वैसे डाकू रात को आके उस ट्रक को चोरी करके ले गए। अगले दिन सुबह एक किसान, बेटा निश्चल, ट्रक आने के बाद हमारी समस्याएं हल हो जाएंगे सोचकर बहुत खुश हुए, पर इतनी जल्दी हमारी खुशी को नजर लगेगी ये नहीं सोचा था, अब क्या करेंगे बेटा, कहा। वो ट्रक चुराएंगे ये मुझे पहले से ही अंदाजा था, मैं उसकी ही राह देख रहा था, वो उसे चुरा नहीं लेते तो हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, आपको मैं समझाता हूँ, उस ट्रक में GPS नेविगेशन है, वो ट्रक अभी कहाँ पे है हम इस फोन में देख सकते हैं, कहकर उसका फोन दिखाया। फोन में GPS में ट्रक का मूवमेंट दिखाई दिया। बाद में ग्रामवासी पुलिस जाके उन डाकुओं को गिरफ्तार किए। क्यों रे निकम्मो,
मेहनत मजदूरी करके पेट पाल सकते हो ना, चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? एसआई साहब, ये लोग बहुत गलत काम किए, जेल से जिंदगी भर ना निकल पाए ऐसी सजा दीजिए, कहा। वैसे सारे डाकू सलाखों के पीछे गए। ग्रामवासी निश्चल को सम्मान करके तालियां बजाए। नईवली नाम के गांव में रोशन नाम का बेरोजगार रहता था। उसका दोस्त जयेश एक मैकेनिक था। एक बार जयेश रोशन दोनों नुक्कड़ पे बैठे थे। अरे रोशन, 3 महीने से मेरा गैरेज खाली पड़ा है, आमदनी ठीक से नहीं है, जो भी आते हैं खटारा गाड़ी लेके आते हैं, और वो नट खोल ये नट लगा कहते हैं, एक भी उसमें नई गाड़ी क्यों नहीं खरीदते है समझ नहीं आती है। अगर कुछ बोले तो ये मेरा दादा चलाता था, बाद में मेरे पापा, अभी मैं, मेरे बाद मेरे बच्चे चलाएंगे बोलते हैं, क्या बोले उन्हें, कह के बोला। बस नाम के लिए मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स पढ़ा, पर एक जॉब भी नहीं मिल रहा है, कह के उदास हुआ। उतने में रोशन के पिता साइकिल में आकर, बरकुरदार, यहाँ पे बैठे गप्पे मारने से अच्छा घर पे बहुत काम पड़ा है, जाकर माँ का हाथ बटा, शाम को छोटू को स्कूल से लेकर आ, सुबह दूध पैकेट्स लेकर आ, हाँ भूल गया, करंट बिल भी भर देना, समझे? अगर कुछ टाइम बचा तो पड़ोस के निर्मला आंटी की शॉपिंग है, देख जाके उनकी भी मदद करना, कह के बोला। पापा, आपका स्कूटर का क्या हुआ, कह के पूछा। लगता है पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, उल्लू का पट्टा, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, आगे से साइकिल ही बेस्ट है, पता नहीं दुनिया आगे जा रही है या पीछे, कहकर वो वहां से निकल गया। देखा ना रे मेरी हालत, ये मेरी वैल्यू है, नौकरी नहीं है तो नौकर भी शेर के जैसा दिखता है, कह के बोला। तुम्हारे पापा जो बोले उनकी बातों का बुरा मत मानना, पर कल मैंने एक खबर पढ़कर चौंक गया, ड्रेनेज साफ करने के लिए 1300 पोस्ट निकला तो उनमें से 85% लोग बीटेक पढ़ने वाले ही जॉब अप्लाई किए, कितना अजीब है ना। कुछ दिन पहले कार कंपनी वालों के सेल्स प्रॉफिट्स गिर गए, सब नए कार खरीदना ही छोड़ दिए, बड़ा अजीब है, कह के बोला। ऐसा क्या, नए कार कोई नहीं खरीद रहे, शायद रेट्स बढ़ गए होंगे, कह के बोला। अभी मार्केट में बैटरी कार्स आए हैं, बैटरी बाइक्स भी आ गए, हमारे गांव वाले पुराने गाड़ियों को चला चला के खटारा बनाते हैं, अब नए गाड़ियां बोले तो पीटेंगे, कह के बोला। एक आइडिया आया, मैं तुम्हारा गैरेज में बैटरी तैयार करूंगा, तुम उसका इस्तेमाल करके पुराने बाइक्स में मोटर की सहायता से क्या उसे चला सकते हो, कह के पूछा। तुम्हारा बैटरी अगर पावरफुल है तो मैं मोटर की सहायता से चला सकता हूँ, कह के बोला। वैसे रात भर वो दोनों गैरेज में बैठकर बहुत मेहनत से बैटरी तैयार किए और पुराने गाड़ी के टंकी को निकालकर वहां पे बैटरी को फिट करके नीचे व्हील्स के पास एक मोटर को फिट किए। वो दोनों बैटरी बाइक को चलाने में कामयाब हुए। अरे देखा, बहुत कम खर्चे में हम लोग रिचार्जेबल बैटरी बाइक बना पाए, आगे से पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 घंटा चार्जिंग करने से 40% चार्जिंग होता है, कहकर उस बैटरी बाइक को लेकर जयेश रोशन दोनों उस गांव की गलियों में घूमने लगे। सब लोग उस बाइक को देखकर आश्चर्य हो गए। उसके बाद गांव के सारे लोग अपने पुराने बाइक्स को जयेश और रोशन के पास देकर उसमें बैटरी फिट करके बैटरी बाइक्स में बदल दिए। रामपुर नाम के गांव में तलवार नाम का जमींदार रहता था। उसका बेटा कौशिक अमेरिका में पढ़ाई पूरी करके लौट आ रहा था। पूरा गांव तलवार के घर के पास फूल मालाओं के साथ खड़े थे। तभी कौशिक एक ट्रैक्टर में आया। सभी कौशिक के गले में मालाएं पहनाए। अच्छे हो बेटा, कह के पूछा। हाँ ठीक हूं, कह के मुंह टेढ़ा करके चला गया। कौशिक के पिता आकर उसे गले लगाकर, आजा बेटा आजा, तुम्हारा वापस आना हमें अच्छा लगा, कह के बोला। क्या पापा, एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए एक एसयूवी कार भेज नहीं सकते थे, ट्रैक्टर भेज दिया, कह के बोला। ट्रैक्टर में आना हमारे गांव की प्रथा है, मेरे शादी के समय तुम्हारी माँ को देखने के लिए मैं ट्रैक्टर में ही गया था, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। छोटी सी बात है,
ये मेरा प्रेस्टीज का सवाल है। मुझे गांव में घूमने के लिए कम से कम एसयूवी नहीं है तो कैसे होगा? वहाँ अमेरिका में पढ़कर यहाँ ट्रैक्टर में घूमने के लिए बोल रहे हैं क्या? कह के बोला, तो अभी तुम्हें एसयूवी चाहिए उतना ही ना, जाकर अपनी पसंद की कार खरीदो। कहकर बोला, दैट्स माय गुड डैडी। कह के बोला। अगले दिन कौशिक एक एसयूवी खरीद के, डैड डैड लुक एट माय न्यू एसयूवी कार, कहके कार के ओर दिखाया। पास खड़ा एक किसान, क्या साहब ये गाड़ी नहीं लग रही है, बहुत अच्छी है, कहके बोला। या दिस इज माय न्यू एसयूवी 200 PHP 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक पायलटिंग सिस्टम, व्हाट मोर इट हैज गॉट रूफ रेलिंग एंड सन शील्ड्स, कहके बोला। क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये देखो आज ही खरीदा, ये मेरा नया ट्रैक्टर, देख कितना अच्छा है, कहके बोला। हे तुम्हारे ट्रैक्टर में और मेरे एसयूवी में फर्क नहीं है क्या? 1 करोड़ रुपए डाल के खरीदा है मैंने, तुम्हारा कितना है सस्ते का आयरन मशीन, कहके बोला। कौशिक के पिता तलवार तभी, देख कौशिक तू आज एसयूवी इसलिए खरीद पाया ताकि तेरा बाप कभी ट्रैक्टर चलाया करता था, ट्रैक्टर को कभी छोटा मत समझना, कहके बोला। कौशिक को गुस्सा आकर, ऐसा क्या डैड, तो फिर जो मैं एसयूवी में कर सकता हूँ वो सब आप ट्रैक्टर में करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा ट्रैक्टर बहुत ग्रेट है, कहके बोला। तलवार राजी होते ही उसके बाद कौशिक अपनी एसयूवी से एक बड़ी ट्रेन को भी बड़े आसानी से खींचा। तब कौशिक आके, देखा डैड क्या ये सब आपका ट्रैक्टर कर सकता है, कहके पूछा। ठीक है मैं मान रहा हूँ, तुम्हारा एसयूवी बहुत महान है, बहुत ग्रेट है, कहके वहाँ से चला गया। अगले दिन एक किसान आके कौशिक से, सर आपके पिताजी आपकी गाड़ी को लेकर खेत में आने के लिए बोले, कहके बोला। कौशिक उसके एसयूवी को लेकर खेत में गया, तब तलवार उसके ट्रैक्टर को और कौशिक के एसयूवी को हल लाकर बांधा। तब तलवार, देख कौशिक कीचड़ भरे इस खेत में तुम अपनी एसयूवी से इस हल को लेकर चलाओ और मैं अपने छोटे से ट्रैक्टर को लेकर यहाँ हल चलाऊंगा, कहके बोला। कौशिक एसयूवी को स्टार्ट करके कीचड़ में जाने दिया, बात खत्म। एसयूवी वही का वही रुक गई, वो जितना भी चाहे एक्सीलरेशन दे, चक्का घुमा पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। तलवार मगर बड़े आसानी से अपने ट्रैक्टर की मदद से हल चलाया। कौशिक लाख कोशिश करने के बावजूद एसयूवी को कीचड़ में से बाहर नहीं निकाल पाया। तभी कौशिक, डैड प्लीज हेल्प माय एसयूवी इट गॉट स्टक, कहा। तलवार उसके ट्रैक्टर को उस एसयूवी से रस्सी बांध के कीचड़ में से बाहर निकाला। तब तलवार, देखा कौशिक हाथी बहुत बलवान होता है पर वो पानी में जाते ही कमजोर पड़ जाता है, मगरमच्छ जब तक पानी में है ताकतवर रहता है लेकिन जमीन पे आते ही कमजोर पड़ जाता है, वैसे ही इसकी ताकत जहाँ पे उपयोग करना है वहीं पे करना। वो सब बातें सुनकर कौशिक, सॉरी डैड मुझे अकल आया, जब तक मैं अपने गाँव में हूँ तब तक ट्रैक्टर ही चलाऊंगा, कहके बोला।